जिसमें से चार बच्चों की डेथ भी हो गई है, जिसमें एक 12 वर्ष का है, 10 वर्ष का है, 7 का है, 13 का है। तो ये जो चारों बच्चे हैं इनकी डेथ हुई है, एक ही परिवार भले ही है। दुखद घटना के बारे में नसीम जी ने मुझे जानकारी दी है कि यहाँ गांव राणिका में एक परिवार में जैसे घर में सवैया बढ़ा लेते हैं, सवैया बढ़ाई खाई तो क्या उसमें कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ हुआ, कोई मिलावट हो गई, अपने आप हो गई, किसी ने चार की कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कुल मिला के 12 सदस्य उनके इससे प्रभावित हुए, जिसमें से चार बच्चों की डेथ भी हो गई है, जिसमें एक 12 वर्ष का है, 10 वर्ष का है, 7 का है, 13 का है। तो ये जो चारों बच्चे हैं इनकी डेथ हुई है, एक ही परिवार भले ही है, तो इन चारों के लिए मैं एक सांत्वना राशि अपने कोटे में से, जिसको कहते हैं हमने एक दयालु स्कीम चलाई है, तो इन बच्चों के लिए 2-2 लाख रुपया, उसमें से 8 लाख रुपया इनके घर पहुंचा दिया जाएगा। और जो बाकी लोग हैं जो बीमार हैं, अस्पताल में हैं, उनका इलाज सरकार फ्री होगा, उस पर कोई खर्चा नहीं करने देंगे। तो इस परिवार के प्रति हमारी भी सांत्वना है, सद्भावना है। बड़ी दुखद घटना हुई है, फिर भी घटना हमारे आपके हाथ में नहीं है, वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ही जैसे सबको रखेगा वैसे बढ़ाएंगे। फिर भी हम एक दूसरे को काम आ सके, एक दूसरे के काम आ सके, ये हम काम करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और वाकई आज हम सभी प्रदेशवासियों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उनके कदमों से बहुत सी परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया है। और अब समय है स्मृति चिन्ह वितरण का, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम विनम्र निवेदन करते हैं स्मृति चिन्ह वितरण के लिए।